वहीं महाराष्ट्र में सरकार गठन पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी को समर्थन देने का जो फैसला है वो अजीत पवार का निजी फैसला है और ये एनसीपी का फैसला नहीं है, उनके फैसले का हम समर्थन नहीं करते हैं। तो कहा जा रहा था कि अगर शरद पवार राइट हैंड यहां पर है तो कहीं ना कहीं अजीत पवार भी राइट हैंड ही है, यानी कि परछाई है अजीत पवार शरद पवार की। तो ऐसे में अगर फैसला शरद पवार ने यहां पर लिया होगा तभी अजीत पवार आगे बढ़कर बीजेपी के साथ यहां पर आए हैं, लेकिन फिलहाल जो ये ट्वीट यहां पर शरद पवार के जरिए किया गया है, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के जरिए किया गया है, उसमें साफ लिखा गया है कि बीजेपी को समर्थन देने का जो फैसला है वो अजीत पवार का निजी है और ये एनसीपी का फैसला बिल्कुल नहीं और उनके फैसले का हम समर्थन नहीं करते। तो ये खुद ट्वीट करके साफ कर दिया है शरद पवार ने, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब विधायक एनसीपी के जो है वो बेहद ही कम अजीत पवार के साथ यहां पर आ जाते हैं।